सो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग एंड आप सभी का स्वागत है फिर से जीडीए 5 के एक और नए एपिसोड में। एंड ड्यूड आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड थोड़ा बहुत डर भी लगने वाला है। सो ड्यूड बात कुछ ऐसी है कि अपने जीडीए 5 के अंदर जिन लोगों ने भी गलत काम करा है, यानी कि चोरी मर्डर कोई सा भी गलत काम करा हो, एक खतरनाक जोकर टाइप का बंदा उन सभी लोगों को पकड़ के लेके जा रहा है और उनको बड़ी गंदी मौत दे रहा है। एंड गाइस वो जोकर उन सभी लोगों को ऐसे नहीं मारता, सबसे पहले वो उनको अपने खतरनाक से घर में लेके जाता है एंड देन उसके बाद उनको वो तड़पा तड़पा के मारता है। बट ड्यूड यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात हो चुकी है, आप सभी को तो पता ही है कि अपने फ्रैंकिन ने भी अपने लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जोकर मॉन्स्टर अपने फ्रैंकिन को भी मारने के लिए आएगा। तो गाइस अपने फ्रैंकिन ने सोचा अगर वो जोकर मॉन्स्टर अपने फ्रैंकिन को पकड़ सकता है, क्यों ना उससे पहले अपना फ्रैंकिन उस मॉन्स्टर को पकड़ के क्यों ना मार डाले। एंड ड्यूड इसलिए अपना फ्रैंकिन इस कब्रिस्तान में आया क्योंकि अपने फ्रैंकिन को लगा कि वो मोशर जोकर इसी वाले कब्रिस्तान में होगा, क्योंकि इस टाइप के क्रिएचर भाई ऐसी जगह पे ही होते हैं। सो ड्यूड एक काम करते हैं, हम उस वाले क्रिएचर को भाई यहाँ पे ढूंढते सबसे पहले, क्या पता वो अपने फ्रैंकिन को यहीं पे मिल जाए, क्या पता वो इस पानी के अंदर हो। बट ड्यूड ये वाला पानी इतना गहरा नहीं है, इस पुल के नीचे तो नहीं है भाई, नहीं है। सो गाइस एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सीढ़ी के ऊपर चलते हो एकदम टॉप पे जाके देख के आएंगे, क्या पता वहां से वो क्रिएचर हमें दिख जाए। अरे 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 फ्रैंकिन भाई अपने पीछे भी देख ले, और एक तो मैंने अपने फ्रैंकिन से बोला था कि अपने माइकल एंड ट्रेवर को भी साथ में ले ले, बट नहीं अपने फ्रैंकिन को तो भाई अकेले जाना है। और ऊपर कोई खड़ा है क्या? ओए 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 ऊपर कौन है वो? नहीं 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 गाइस वो कोई बंदा नहीं खड़ा, ये तो एक टेलीस्कोप है यार, फ्रैंकिन तो फालतू में डर गया। ओ भाई वहां पे कैसी आवाजें आ रही है? जो एक सेकंड वहाँ पे कोई है क्या? गाइस गाइस यहाँ पे मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। एक काम करते हैं हम वापस से नीचे चलते हैं टॉर्च लेके। एंड ड्यूड अगर वो जोकर अपने फ्रैंकिन को यहाँ पे नहीं मिला तो अपने फ्रैंकिन के खुफिया एजेंट ने अपने फ्रैंकिन को सारी लोकेशन सेंड कर दिया है जहाँ पे उस जोकर को आखिरी बार देखा गया था। एंड ड्यूड वो जोकर उन लोगों को पकड़ के लेके गया एंड देन उन लोगों की लाश इतनी गंदी तरह मिली कि वो टीवी में आई थी। एंड गाइस इसको देख के अपना फ्रैंकिन को ज्यादा डर गया, और ये आवाज तो अपने फ्रैंकिन को कहीं यहीं से आ रही है। एक काम करते हैं पानी के अंदर से होकर चलते, क्या पता वो यहीं कहीं हो। एंड गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकिन को डर लग रहा है क्योंकि अभी अभी कोई बंदा यहाँ पे ये फूल रख के गया है, मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई और है भी नहीं, तो ये फूल रख के कौन गया? ड्यूड अपने फ्रैंकिन को अब कसम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हेलो यहाँ पे कोई और है क्या? और है भाई ये कौन है? गाइस मेरे हिसाब से वही जोकर है, और ये तो टीवी में आया था। फ्रैंकिन जल्दी भाग भाई, ये तेरे पीछे पीछे आ रहे, जल्दी भाग फ्रैंकिन। फ्रैंकिन भाई जल्दी भाग, वो तेरे को अपने घर ले जाएगा भाई, बड़ी गंदी तरह मारेगा। जल्दी बैठ जा अपनी कार के अंदर, कहां वो आ रहा है क्या? अरे भाई वो तो भागते हुए आ रहा है भाई, ये रहा आजा आजा अबे फ्रैंकिन जल्दी भाग अपनी कार, कहां है कहां है कहां है? गाइस वो आ रहा भाई साहब। ड्यूड अभी अपना फ्रैंकिन बड़ी मुश्किल से बचा, ये क्या चल रहा है? कहां जा रहा है अपना फ्रैंकिन? अबे अबे भाई फ्रैंकिन क्या कर रहा है? अपनी कार कहां उछाल रहा है पागल? अरे भाई हट जाओ अपने फ्रैंकिन को जान दो। और ये क्या ड्यूड, ये कौन मार रहा है लड़की को? उसकी तो भाई साहब ये बंदर इस लड़की को मार के, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इधर आ बेटे, तूने इस लड़की को मार के सीधा। एंड गाइस शायद से इस लड़की ने भी अपने लॉस सैंटोस के अंदर गलत काम कर रहे होंगे, और ये वाला बंदा उस जोकर का चेला होगा, तभी इस वाले क्रिएचर ने इस वाली लड़की को मारे। और भाई इसकी शक्ल देखो, मुझे लग रहा है अब तो अपना फ्रैंकिन पक्का गया, क्योंकि गाइस उस वाले जोकर की पूरी गैंग अपने लॉस सैंटोस में फैल चुकी है, और जिन लोगों ने भी गलत काम कर रहे हैं वो सब भाग रहे और या फिर मर रहे, और उनको देखो भाई वो भी भाग रहे हैं। एंड गाइस आई डोंट नो यहाँ पे सारे बंदे भाग क्यों रहे हैं, मुझे लग रहा है इन सभी के पीछे उस जोकर के बंदे पड़े। गाइस आई डोंट नो अपने फ्रैंकिन को कहाँ पे जाना चाहिए। एंड गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने लॉस सैंटोस का वेदर कितना गंदा हो चुका है। एंड गाइस अपना फ्रैंकिन उसी जगह पे आ चुका है जहाँ पर उस जोकर को लास्ट बार देखा गया था, और सामने क्या चल रहा है वो? वेट अ सेकंड गाइस, वहां पे आग कैसे चल रही है? और ये लोग मेरी तरफ क्यों भाग के आ रहे हैं? इनकी तो और ये भाई अपने फ्रैंकिन को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं 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 गाइस मेरे हिसाब से ये अपनी तरफ नहीं आ रही, एक सेकंड इनको जान जाता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं। अब ये तो चक्कू लेके अपने फ्रैंकिन को ही मार रहे हैं, इनकी तो ये लो गाइस आई डोंट नो ये बंदे अपने आ रहे हैं भाई अपने फ्रैंकिन को ही पीट क्यों रहे हैं। फ्रैंकिन जल्दी वहाँ पे चल, वो शहर से इन लोगों ने यहाँ पे अपने लॉस सैंटोस के लोगों को जला रहे हैं भाई साहब, इनकी तो ये लो मेरे हिसाब से जोकर के बंदे हैं। अबे भाई क्यों मार रहे हो मुझे? अबे 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 भाई छोड़ दो, क्या करोगे मुझे मार के? गाइस ये तो अपने फ्रैंकिन को मारे जा रहे हैं भाई, छोड़ ही नहीं रहे इनकी तो। अब अपना फ्रैंकिन इन पे भाई अंधाधुंध गन चलाने वाला है। एंड ड्यूड एक बार इस वाले बंदे को देखो भाई, उस वाले जोकर ने इस बंदे को उल्टा लगा रखा है और नीचे आग लगा दी। अरे भाई यहाँ पे आग लग के फिर से भागो फ्रैंकिन, जल्दी भाग भाई यहाँ से, क्या चल रहा है यहाँ पे? जल्दी जल्दी फ्रैंकिन अपनी कार चालू कर भाई, यहाँ पे वो जोकर कभी भी आता होगा।
सो जूड अभी अपने फ्रैंकलिन के दिमाग में एक आइडिया आया है। अभी अपने फ्रैंकलिन के खुफिया एजेंट ने अपने फ्रैंकलिन को बताया है जो वो जोकर है उसको लास्ट बार एक टनल में देखा गया था। एंड गाइस उस टनल की लोकेशन अपने फ्रैंकलिन को उसके एजेंट ने भेज दिया है। सो जूड एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उस वाली टनल के अंदर चलते हैं। एंड गाइस वो टनल यहाँ से कुछ ज्यादा दूर है। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली अपना फ्रैंकलिन उस वाली टनल के पास पहुंचने वाला है जहाँ पे उस मॉन्स्टर को आखिरी बार देखा गया था। एंड गाइस ये देखो भाई कितनी सुनसान रोड है, यहाँ पे तो एक भी कार नहीं है और यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन अकेले जा रहा है। एंड ड्यूड यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन को कुछ ज्यादा डर लग रहा है। एंड गाइज आई डोंट नो उस जोकर के पास कौन सी सुपर पावर है। एंड गाइज ये रही वो टनल जहाँ पे उस मॉन्स्टर को आखिरी बार देखा गया था। भाई एकदम पहाड़ के नीचे बना रखी है और कितनी डरावनी जगह ये, वहां से हमको चांद पे दिख रहा है। एंड ड्यूड ये रही वो टनल जहाँ पे उस मॉन्स्टर को आखिरी बार देखा गया था। और भाई सब उस जोकर ने यहाँ वाला गेट बंद कर रखा है, क्यों भाई क्यों। गाइज अपने फ्रैंकलिन को अकेले जाने में अंदर कुछ ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करते गाइज, हम इस वाले मॉन्स्टर का ये गेट तोड़ देते हैं। और ये भाई ये तो बंदूक से टूट ही नहीं रहा, एक काम करते हैं इस पे भाई अपनी आरपीजी यूज करते हैं। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन ने फाइनली अपनी आरपीजी निकाल ली है। तो जो ये काम करते हैं, हम जल्दी से यहाँ पे अपनी आरपीजी छोड़ देते हैं। ये ले, और ये भाई उस जोकर को अपने आने का पक्का पता लग गया होगा। एंड गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन ने ये वाला गेट तोड़ दिया और भाई कितना डरावनी गुफा है ये। एंड गाइस मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा सच में। तो चलो गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन ने टॉर्च निकाल लिया है और भाई साहब बिना टॉर्च के यहाँ पे कितना ज्यादा अंधेरा है। ओहो, इतनी तेज रोशनी वाली टॉर्च, क्या ही बात है। फ्रैंकलिन भाई कौन सी टॉर्च लेके आया है, मुझे ऐसे मत डराओ भाई, मारना तो सामने आके मारना, ऐसे डराता क्यों है, पीछे से क्यों डरा रहा। अरे 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 फ्रैंकलिन भाई पीछे का नाम मत ले, क्योंकि पीछे से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। गाइस यहाँ पे कुछ भी सकता है, अपने फ्रैंकलिन को बड़ी आराम से जाना पड़ेगा। और ये क्या है भाई, यहाँ पे ये दीवार किसने बनाई। एंड गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन की टॉर्च भाई काम भी नहीं कर रही, बंद ऑफ हो जा रही है बार बार। अरे अरे फ्रैंकलिन भाई ठीक कर अपनी टॉर्च, क्या कर रहा है। सो राइट गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन की टॉर्च ठीक हो चुकी है और यहाँ पे ये दोनों दरवाजे चेक कर रहे हैं भाई। गाइस यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात हो गई, अपना फ्रैंकलिन यहाँ पे रास्ता भूल गया भाई, किस तरफ पे जाना था। एक काम करते हम टॉर्च ऑन करके यहाँ पे चलते हैं और आगे चल फ्रैंकलिन, और आगे चल। और वेट अ सेकंड, वहां पे कोई खड़ा है भाई, ऐसे मंडरा कौन खड़ा है, आवाज मार दे, कहते काम करते टॉर्च ऑन करते हैं। अरे भाई इसने इतने सारे बंदे बाहर रखे हैं, भाई जल्दी भाग फ्रैंकलिन, वो अपने पीछे तो नहीं आ रहा भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन कुछ ज्यादा दूर भागते हुए आ चुका है और भाई ये टनल तो यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही। और एक सेकेंड, अपने फ्रैंकलिन के पीछे किसी ने हाथ रखा, मुझे लग रहा है कि ये वही जोकर तो नहीं है। कौन है मेरे पीछे, व्हाट। गाइस अपना फ्रैंकलिन कहाँ पे आ गया और ये किसका घर है और सामने ये आग कैसे चल रही है। गाइस आई डोंट नो अपना फ्रैंकलिन कहाँ पे आ गया। ओ माय गॉड, मेरे हिसाब से अपना फ्रैंकलिन उसी जोकर के घर में आ गया। फ्रैंकलिन जल्दी खड़ा हो मेरे भाई। और यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन भाई बेहोश हो गया, ये क्या हो गया फ्रैंकलिन भाई, जल्दी उठ कैसे भी करके। सो राइट गाइस यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन फाइनली उठ चुका है। एंड गाइस आई डोंट नो ये खतरनाक सा घर किसका है। अरे भाई मुझे कोई फाल तो आने दो। गाइस आई डोंट नो अपना फ्रैंकलिन अंदर कैसे आ गया और अपने फ्रैंकलिन के सारे वेपन छीन लिए गए हैं। अपने फ्रैंकलिन के पास बस यही था जो कि इसने अपने पीछे रखा हुआ था, वरना अपने फ्रैंकलिन से ये भी छीन लिया जाता। और मुझे लग रहा है कि ये जोकर का घर है उसे वाले, और वो जोकर अपने फ्रैंकलिन को यहाँ पे मारने वाला है। भाई कितना बड़ा, अरे भाई ये कौन भागते हुए आ रहा है। गाइस आई डोंट नो ये कौन है, इसकी तो ये ले भाई, क्या चल रहा है इसके घर में ये। एंड गाइस ये कौन खड़ा है सामने में भाई, इसको तो मैं आर पार हो रहा हूँ भाई, ये क्या चल रहा है। अरे 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 भाई मुझे कौन मार रहा है पीछे से। गाइस आई डोंट नो, अरे ये मरी नहीं। गाइस मुझे नहीं पता ये मरी नहीं क्या। ये ले तू, अरे भाई ये तो अपने फ्रैंकलिन से फाइट कर रही है। ये ले, अपना फ्रैंकलिन को छोड़ने वाला नहीं है। ये ले फ्रैंकलिन, मार इसको मार। ये ले भाई साहब, अपना फ्रैंकलिन छोड़ने वाला। ये ले तू, ये ले अपने फ्रैंकलिन को मारेगी, अपने फ्रैंकलिन को मारेगी। अबे फ्रैंकलिन कहां मार रहा है चाकू। एंड्रू ने काम करते, ये छत कैसी है भाई, मुझे जल्दी से ऊपर भागना पड़ेगा। अरे मैं कहां जाऊं गाइस, आई डोंट नो मुझे कहां पे जाना चाहिए। ओए गाइस, गाइस ये क्या है भाई साहब, ये क्या है सामने में। अबे फ्रैंकलिन किसको मार दे तूने। ये ले भाई कितनी मारेगी तू। गाइस इस वाले रूम में क्या है, ओ माय गॉड। गाइस ये क्या है, आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है इस वाले घर के अंदर।
और यहाँ पे उस जोकर ने ये गेट बंद कर दिया ताकि अपना फ्रैंकलिन घर से ना बाहर निकल सके, और ये कौन आके अपने फ्रैंकलिन को मारने के लिए। ओ माय गॉड क्या चल रहा है यहाँ पे, फ्रैंकलिन जल्दी भाग भाई, ये कौन सा जोकर आ गया, ये ले भाई, ये इंसान पता नहीं कौन है, इनके हाथ में कौन कौन सी खिलाड़ी है, ये ले तू, ये ले भाई, अपने फ्रैंकलिन को मारेगा। एंड गाइस आई डोंट नो ये सामने किसकी जीभ है इतनी बड़ी, अभी ये जीभ है क्या है, अभी फ्रैंकलिन को कितना मारेगा, छोड़ना बुड्ढे हट, ये घर पक्का टूटने वाला है, और भाई वो जोकर यहाँ पे कभी भी आने वाला होगा गाइस आई डोंट नो। उस जोर भाई गाइस ये टूट रहा है, गाइस ये टूट रहा है, ओ माय गॉड गाइस फाइनली अपने फ्रैंकलिन इसको तोड़ रहा है अपने चाकू से, ये ले अबे टूट जा, टूट तो रहा था ये, टूट रहा है गाइस, टूट रहा है ये, धीरे धीरे करके सारा टूट रहा है, जल्दी टूट, ओ माय गॉड गाइस फाइनली अपने फ्रैंकलिन ने इसको तोड़ दिया, और अब अपना फ्रैंकलिन घर के बाहर आ चुका है, फ्रैंकलिन जल्दी टाप मेरे भाई, जल्दी टाप, वरना वो जोकर यहाँ पे कभी भी आने वाला होगा। एंड ड्यूड यहाँ पे ये धुआं कैसे निकल रहा है, फ्रैंकलिन जल्दी भाग भाई, इस वाले घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ओ माय गॉड ड्यूड इस वाले घर में कैसे धुआं निकल रहा है, फ्रैंकलिन जल्दी इस वाली बाइक के अंदर बैठ, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और सामने आग कैसे चल रही है वो भाई साहब, ड्यूड वो क्या खड़ा हुआ है सामने, आई डोंट नो, एक बार उसके पास चल के दिखते हैं ये है क्या चीज। हेलो भाई ये इंसान जल रहा है गाइस, सच में ये इंसान जल रहा है, अपने फ्रैंकलिन को कुछ भी नहीं बोल रहा है ये, फ्रैंकलिन जल्दी भाग यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड गाइस एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से अपने माइकल एंड ट्रेवर के पास चलते हैं, और ये भाई यहाँ पे तो और भी इंसान खड़े हुए हैं, शायद से ड्यूड ये जोकर की आर्मी है, और फ्रैंकलिन अपना हेलमेट पहन रहा है, सामने में ये कौन इंसान उसको मार रहा है इसकी तो ये ले भाई साहब, अपने फ्रैंकलिन ने इसको घेर दिया, शिट यहाँ पे ये गेट बंद निकल गया गाइस, फाइनली अपना फ्रैंकलिन मेन रोड पे आ चुका, और ये सामने क्या जा रहा है भाई जानवर। सो ड्यूड फाइनली अपना फ्रैंकलिन उस वाले घर से बड़ी मुश्किल से बच के आया है। सो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो का करें लाइक, एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ड्यूड अगर आपको इस वाले पार्ट का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।